हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो 8 अप्रैल करंट अफेयर का लेक्चर है। तो इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। इसका जो है पहला क्वेश्चन है, देखते हैं कि पुदुचेरी के जो है मुख्यमंत्री सीएम कौन बने हैं। तो एन रंगास्वामी को जो है पुदुचेरी का जो है सीएम बनाया गया है। इनके बारे में कुछ हम जानने के पुदुचेरी के बारे में कुछ जानने का प्रयास करें तो पुदुचेरी जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। 1 नवंबर 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। पुदुचेरी की राजधानी जो है पुदुचेरी है और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री रंगास्वामी जो अभी बने हैं। पुदुचेरी के उच्च न्यायालय का जो है नाम मद्रास उच्च न्यायालय है, मतलब जो मद्रास की उच्च न्यायालय है वो उसमें जो है न्याय जो होता है वो पुदुचेरी के न्याय उसमें भी पुदुचेरी का जो न्याय होता है वो मद्रास उच्च न्यायालय में जो है किया जाता है। भारत का सबसे छोटा जिला जो है माहे वो पुदुचेरी में ही स्थित है। लोकसभा सीटों की संख्या 1, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। और पशु जो है यहाँ पे गिलहरी है, राजकीय पक्षी जो है यहाँ का कोयल है, राजकीय फूल जो है वो किनेन बोल जो है, और राजकीय पेड़ जो है यहाँ की बेल है। ये सब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई। कह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती कब मनाई गई? 7 मई को मनाई गई है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जो हुआ था 7 मई 1861 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। 2021 में रविंद्रनाथ टैगोर की 160वीं जो है जयंती मनाई गई है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जाने, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सुनार बंगला ये जो है किसने लिखा है? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और यहाँ की भी जो राष्ट्रगान है उसको भी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है भारत का। महात्मा गांधी ने इनको जो है गुरुदेव की उपाधि प्रदान की थी। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। भारत में जो है एक प्रकार से भारत और एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1913 ईस्वी में पहली बार। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है 1913 में किस कृति के लिए इनको नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो गीतांजलि कृति के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत का राष्ट्रगान जनगणमन किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इसको लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि 12 वर्ष इसरो से अधिक उम्र के बच्चों को एक प्रकार से फाइजर बायोटेक वैक्सीन की मंजूरी देने के वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? कनाडा विश्व का जो है पहला देश बन गया है। हाल ही में लगातार बढ़ रहा कोरोना वायरस की महामारी के बीच कनाडा ने में जो है 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन देने की अनुमति दे दी है। दुनिया कनाडा ऐसा पहला देश होगा जहां पे 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों को फाइजर वैक्सीन की दोनों डोज दी जाएंगी। कनाडा की अगर जो बात करें तो कनाडा उत्तरी अमेरिका में जो है वो महाद्वीप में स्थित है और कनाडा की राजधानी जो है वो ओटावा है। कनाडा की करेंसी जो है वो कैनेडियन डॉलर है और कनाडा के प्रधानमंत्री जो हैं जस्टिन ट्रूडियो हैं। और क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो देश कौन सा है वो कनाडा ही है। पहला जो है वो सबसे कौन सा है? रूस है। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश भी कनाडा है। और 18वीं सदी में पुरानी अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश में सॉरी ने जो है भारत को लौटाई थी? वो कनाडा ने ही लौटाई थी। अगला जो है 49वीं जो है समांतर रेखा दो देशों के बीच में एक प्रकार से है, कनाडा और अमेरिका के बीच में है। और यहाँ पे बात करें कनाडा की संसद को क्या नाम दिया है? पार्लियामेंट। इनसे जो है रिलेटेड हमने वीडियो बनाया है कि कौन सी देश का संसद कौन सा है और ये पॉलिटी के लेक्चर में पढ़ा होगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। THDC जो है इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष या प्रबंधक कौन बने हैं? MD कौन बने हैं? CMD कह सकते हैं, विजय गोयल जो हैं ये बने हैं। तो भारत में बिजली निर्माता कंपनी है THD और इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1988 को हुई थी। उसका मुख्यालय ऋषिकेश उत्तराखंड में है। ये जो है एजेंसी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब NTPC इसका जो है पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NTPC के अंडर में ही है। अगला क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन की स्थापना
दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को सीमा सड़क संगठन दिवस स्थापना दिवस मनाया जाता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 ईस्वी को की गई थी। 7 मई 2021 को बीआरओ ने 61वां स्थापना दिवस जो है अपना मनाया है। बीआरओ की अगर जो हम बात करें, बीआरओ भारत की जो है सीमाओं को सुरक्षित करना और इसका काम है उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों को जो है दूर दराज क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका सीमा सड़क संगठन इसका नाम है। स्थापना इसकी 7 मई 1960 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में, महानिदेशक राजीव चौधरी इसके हैं। देश का पहला ड्राइव इन वैकल्पिक सेंटर कहाँ पे है? इंडिया फर्स्ट ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर किस राज्य में जो है खोला गया है? तो महाराष्ट्र राज्य में जो है वो खोला गया है। कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी के कोरोना वैक्सीन अनिवार्य कर दी गई है। तो मुंबई में कोरोना ड्राइव वैक्सीनेशन टीका केंद्र लोगों को जो है कार में बैठे लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर पार्किंग बनाया गया है। इस सुविधा को विशेष रूप से विकलांग, बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिकों को स्वयं जो है वो वाहनों के वैक्सीन लगवाने की जो है अनुमति दी जाती है। महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई में, महाराष्ट्र के जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, शिवसेना पार्टी से रिलेटेड हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर की अगर जो बात करें भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश की बात करें दीपांकर दत्ता जो है महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश हैं। महाराष्ट्र का राजकीय पशु जो है गिलहरी है, राजकीय पक्षी जो है कबूतर है और राजकीय वृक्ष जो है वो आम है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य की बात करें गोवा है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें 48 हैं, राज्यसभा की 19 हैं, विधानसभा की 288 हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करो या न याद करो। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बराक का मुख्यालय महाराष्ट्र के किस राज्य में जो है इस शहर में स्थित है? मतलब वो किस राज्य शहर में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य शहर में जो है वो स्थित है बराक का मुख्यालय। भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SEBI, NSE, BCCI, ABSE, इन सभी का जो है मुख्यालय मुंबई में है। तो इतने तो कम से कम याद ही रख लीजिए कि मुंबई, इनसे क्वेश्चन पूछा जाए और गलत ना हो कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अगर जो अड्डे की बात करें हवाई अड्डों की, तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शिवाजी जो है वो मराठा साम्राज्य जो है वो एक प्रकार से महाराष्ट्र से ही रिलेटेड था। तो ये आप ध्यान रखना कि ये जो है महाराष्ट्र का ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जनरली आप इनको नागपुर से याद रखिएगा, नागपुर में ये है। नागपुर से एक प्रकार से ये बाबा साहब रिलेटेड थे जनरली, तो ये जो है प्रकार से नागपुर में जो है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। महाराष्ट्र के मंदिर जो है कैलाश मंदिर, एलोरा और सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई में, महाबलेश्वर मंदिर है, ये सब महाराष्ट्र के मंदिर है। कैलाश मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर और महाबलेश्वर मंदिर। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2021, बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2021 में आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो पिंक को जो है सम्मानित किया गया है। सिंगर पिंक जो है 2021 में बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स BBMA आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनको। इस पुरस्कार का उद्देश्य उन कलाकारों को सम्मानित करना है जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में जो है बहुत प्रदर्शन किया है। टॉप 5 पुरस्कारों की अगर जो बात करें तो कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर में जो है स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? वो देहरादून है। महाराष्ट्र का जो एक प्रकार से भूषण पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? तो आशा भोसले को जो है सम्मानित किया गया है। हिंदी के उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य करने वाले व्यास सम्मान 2020 किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर शरद पगारे को जो है सम्मानित किया गया है। 2020 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को जो है सम्मानित किया गया है। 67वें
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट फिल्म का जो है अवार्ड किसे दिया गया है? छिछोरा जो बेस्ट फिल्म का जो है इसने अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है किसने जो है किनको दे मायो त्यौहार हर साल जो है किस देश में जो है मनाया जाता है? तो मैक्सिको में, अमेरिका दोनों में जो है मनाया जाता है। किनको दे मायो जो है क्या त्यौहार हर साल मैक्सिको और अमेरिका में मनाया जाता है? मैक्सिको के फ्रेंच सेनाओं की जीत के उपलक्ष्य में हर साल ये त्यौहार मनाया जाता है। इसी दिन 5 मई 1982 ईस्वी को मैक्सिको की सेना ने फ्रांस की सेना पर जो है क्या किया था? प्यूबला में जो है इसको हराया था इसी दिन मैक्सिको की सेना ने। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइज रिसर्च के निदेशक कौन बने हैं? मीनाक्षी सुंदरम जो है यहाँ के क्या बने हैं? ये मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के मतलब कहने का है वो निदेशक बने हैं रमन मीनाक्षी सुंदरम को जो है भारतीय कृषि विज्ञान कृषि अनुसंधान परिषद का जो है वो परिषद की एक शाखा का जो एक प्रकार से चावल अनुसंधान संस्थान का निदेशक या एमडी के प्रकार से नियुक्त किया गया है, डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसका जो नाम है और इसकी स्थापना 15 जुलाई 1929 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई नई दिल्ली में। दोनों इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, हम भूले हैं आप ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जो है चौधरी अजीत सिंह को जो है कोरोना वायरस के कारण इनका जो है निधन हो गया, वो किस राजनीतिक पार्टी के प्रमुख संस्थापक थे? तो राष्ट्रीय लोक दल के जो है वो संस्थापक थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय लोक दल के जो एक प्रकार से संस्थापक नेता अजीत सिंह कोविड-19 के कारण निधन हो गया, वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जो है पुत्र थे। पुदुचेरी की अगर जो बात करें तो मुख्यमंत्री जो है कौन बने हैं? एन रंगास्वामी जो है पुदुचेरी के एक प्रकार से क्या बने हैं? मुख्यमंत्री बने हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती कब मनाई गई? 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई। 12 अप्रैल को इसने जो है सबसे इससे अधिक उम्र के जो है बच्चों को फाइजर बायोटेक वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला विश्व का देश बन गया है, वो कनाडा है। अगला क्वेश्चन है THDC इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक CMD बने हैं, विजय गोयल बने हैं। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब मनाया जाता है? तो 7 मई को जो है मनाया जाता है। देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर किस राज्य में खोला गया? महाराष्ट्र राज्य में खोला गया। बिलबोर्ड्स म्यूजिक अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया है? पिंक को सम्मानित किया गया है। किनको द मायो त्यौहार जो है हर साल किस देश में मनाया जाता है? तो ये त्यौहार हर साल मैक्सिको और अमेरिका में जो है मनाया जाता है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस एंड रिसर्च IIRR के नए निदेशक कौन बने हैं? रमन मीनाक्षी सुंदरम जो है नए निदेशक बने हैं। हाल ही में चौधरी अजीत सिंह कोरोना वायरस के कारण जो है निधन हो गया, वो किस राजनीतिक दल के प्रमुख संस्थापक थे? राष्ट्रीय लोक दल के जो है प्रमुख संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? USA के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित हैं? तो USA के संविधान से मतलब प्रावधानों से जो हैं वो प्रेरित हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूचियां हैं थी पहले, अब जो हैं 12 हो गई हैं। पहले मूल संविधान की अगर जो बात करें तो वो 8 ही अनुसूचियां हैं। भारत संघ के नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? पहली अनुसूची में जो है किया गया है। भारतीय संविधान की नवी अनुसूची किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ये जोड़ी गई।
भारत के संविधान में समान कार्य करने के लिए समान वेतन का अधिकार का प्रावधान कहाँ से आया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से जो है ये इसका प्रावधान आया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संधि शांति सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51 जो है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कौन सी याचिका रेट दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है व्यक्तिगत एक प्रकार से स्वतंत्रता के अधिकार से ये प्रकार से रिट जारी की जा सकती है। पांच प्रकार की जो है रिट जारी कर सकती हैं, हाई मतलब ऊपर वाली कोर्ट्स जो होती हैं नीचे वाली कोर्ट्स को। तो अगला जो है यहाँ पे संविधान के जो है नीचे वाली कोर्ट्स या किसी भी व्यक्ति को भी जारी की जा सकती हैं, ओके, या संस्था को भी जारी की जा सकती हैं, पाँच प्रकार की रिट्स हैं। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान में जो है हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया जाता है? इंडिया दैट इज भारत के नाम से जो है किया जाता है। भारत संविधान के किस प्रकार जो है शासन संसदीय व्यवस्था को अपनाया है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली को भारत ने जो है वो अपनाया है। ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।